वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन एफएक्यू सीरीज। दोस्तों आपको पता ही होगा कि आपके द्वारा मुझे जो कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन के आंसर मैं इस वीडियो के थ्रू देने की कोशिश करता हूं। तो ये जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। आप देख रहे हैं टेकी प्रशांत। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फ्रॉम साहिल। उसका क्वेश्चन ये है कि आईफोन के अंदर जो ईमेल एप्लीकेशन होती है, जो एप्पल के थ्रू जो नेटिव ईमेल एप्लीकेशन दी गई है, उसके अंदर जब हम मेल डिलीट करते हैं तो एक एक डिलीट करना होता है, तो उसका कोई सॉल्यूशन है कि नहीं। एक्चुअली ये मुझे भी प्रॉब्लम है, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता एप्पल की जो ईमेल एप्लीकेशन है। मैं तो जनरली जीमेल एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, याहू की यूज़ कर लेता हूँ, यानी जो पर्टिकुलर ईमेल सर्विस है उसके स्पेसिफिक ही यूज़ कर लेता हूँ। लेकिन कुछ हमारी वेबसाइट वगैरह होती है उसके अंदर जो इन्फो वगैरह ईमेल एड्रेस होता है POP3 वगैरह, तो उसके लिए मुझे ये ज़रूर पड़ती है। लेकिन मैं भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ कि एक एक में वन बाय वन हमें ईमेल वो डिलीट करना होता पड़ता है। शायद iOS 12 आ रहा है एक महीने के बाद, तो हो सकता है उसमें ईमेल एप्लीकेशन के अंदर कुछ अपडेशन मिल जाए और मल्टीपल ईमेल डिलीट करने का ऑप्शन मिल जाए। अगर आप व्यूअर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ईमेल एप्लीकेशन, एप्पल की जो नेटिव ईमेल एप्लीकेशन है, और उसमें अलग अलग ईमेल कॉन्फ़िगर करते हैं, तो आप मुझे बताएं कि वहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन है कि नहीं कि हम एक साथ सारे के सारे ईमेल डिलीट कर सकते हैं। मुझे तो अभी तक वो ऑप्शन नहीं मिला, लेकिन अगर आप किसी को पता हो तो कमेंट में वो बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फ्रॉम मित उपाध्याय। उसका क्वेश्चन ये है कि अगर वो नया फ़ोन आईफोन लेना चाहे तो इस वक्त वो आईफोन में 6 ले या 6S ले। अगर मैं आपको प्रॉपरली आंसर देना चाहूँगा तो मैं बोलूँगा कि दोनों में से आप एक भी मत लीजिए, क्योंकि जब मैंने एक वीडियो भी बनाया था, मैंने उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, कि जब भी आपको कोई आईफोन का मॉडल परचेज करना चाहते हैं उस टाइम पे आपको डिसीजन कैसे लेना है कि कौन सा मॉडल ले। हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो भी आप मॉडल ले वो लेटेस्ट मॉडल होना चाहिए, अगर आपके बजट में वो आता है तो। फॉर एग्जाम्पल अगर बजट में नहीं आता तो आप एक स्टेप पीछे जाइए। अभी लेटेस्ट जो है 8 है, 10 है, अगर 10 बजट में नहीं आता तो 8 पे जाइए, वो बजट में नहीं आता तो 7 पे जाइए। लेकिन यहाँ पे जो है 6 और 6S की बात कर रहे हैं, तो अगर हार्ड रिक्वायरमेंट है लेने की है तो 6S लेना चाहिए, क्योंकि S जो है 6 से थोड़ा ज़्यादा बेटर है, तो 4 टच वगैरह उसके अंदर आ गया है। लेकिन अगर अभी देखा जाए कि अभी अगस्त 2018 है, तो इस मंथ के अंदर तो ये भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी एक मंथ के बाद iOS 12 आएगा, तो 6S जो है उसमें 12 मिल जाएगा डेफिनेटली, लेकिन हमें गारंटी नहीं है कि अगले साल iOS 13 हमें उसमें अपडेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो 6 है, 6 प्लस है, 6S है, वो सारे बहुत पुराने मॉडल है, 2-3 साल पुराने मॉडल है। जब भी हम कोई नया आईफोन परचेज करते हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि जो भी हम मॉडल परचेस करें उसमें एटलीस्ट 3 साल तक तो हमें iOS का नया अपडेट मिलना ही चाहिए, तभी हम iOS का जो बेटर यूज़र एक्सपीरियंस है UI वो यूटिलाइज कर पाएंगे। अगर आप नया फ़ोन ले रहे हैं और एक साल के बाद एक ही अपडेट मिले, अगले साल आपको अपडेट नहीं मिले, तो जो बेटर UI है उसका एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा। और ये जो 6 मॉडल है, 6S मॉडल है, उसमें बहुत सारे ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए बहुत सारे ऐसे सेंसर जो नए आईफोन 8 और 10 के अंदर है, जो बेटर फंक्शनैलिटी, बेटर सेंसर, बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो नए आईफोन 8 और 10 के अंदर है, और अभी एक महीने के बाद शायद नया मॉडल भी आने वाला है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका बजट है तो हमेशा नया मॉडल लीजिए, अदरवाइज आपको हार्ड रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली 6S पर जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फ्रॉम चिंटू। उसका क्वेश्चन ये है कि उसके आईफोन के अंदर हॉटस्पॉट काम नहीं करता, तो उसका रीज़न क्या है। जनरली क्या होता है, कभी कभी अगर कोई हार्डवेयर के रिलेटेड इश्यू होता है तो हॉटस्पॉट काम नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर उसे सिग्नल जनरेट करना होता है, सिग्नल को ट्रांसमिट करना होता है। तो ये सिचुएशन में बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप एप्पल के स्टोर पे जाए, उसे बोलिए कि इसे हार्डवेयर के लिए डायग्नोसिस करें, तो उसमें पता चल जाएगा कि कोई सेंसर वगैरह में प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि अगर हार्डवेयर सेंसर के में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो जनरली कोई भी सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। तो एक बार ये कन्फर्म हो जाए कि नहीं हार्डवेयर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बाद में आप उसे पूछ सकते हैं कि इसमें ये हॉटस्पॉट वगैरह काम नहीं कर रहा है, तो उसका रीज़न क्या है, कोई सॉफ्टवेयर के रिलेटेड इश्यू होगा, iOS अपडेट करना ज़रूरी होगा, तो आपके फ़ोन में वो देख के आपको बता पाएंगे कि इसमें iOS अपडेट वगैरह कर दीजिए तो शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कभी कभी कोई मोबाइल नेटवर्क जो सेलुलर कंपनी होती है वहाँ से भी रिस्ट्रिक्ट किया गया होता है कि आप सिर्फ नॉर्मल डेटा यूज़ कर सकते, हॉटस्पॉट के थ्रू यूज़ नहीं कर सकते। तो इसमें बहुत सारे ऐसे
रीज़न हो सकते हैं कि ये हॉटस्पॉट काम क्यों नहीं कर रहा, लेकिन जो मेजर रीज़न मोस्ट ऑफ केसेस आजकल तो सारे सेलुलर कंपनी है हॉटस्पॉट अलाउ करती ही है, तो जनरली ये केस में शायद हो सकता है कि हार्डवेयर का प्रॉब्लम हो, बाद में अगर वो भी ओके है तो सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम हो सकता है, और मोस्ट ऑफ केसेस में तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फ्रॉम न्यूमेर आयशा। उसका क्वेश्चन ये है कि वो जब अपने आईफोन के अंदर IMO एप्लीकेशन चलाते हैं तो उस टाइम पे बैटरी ज़्यादा ड्रेन करती है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है? तो एग्जैक्टली क्या होता है, ये सारी जो कुछ एप्लीकेशन होती है वो बहुत सारे सेंसर वगैरह या तो कुछ बनाई ऐसी गई होती है, परफॉर्मेंस का इश्यू होता है, तो उसकी वजह से ये जनरली जो एप्लीकेशन बैटरी ज़्यादा कंज्यूम कर लेती है, तो उसके लिए एप्पल के iOS के सेटिंग में कोई ऐसा जनरली सेटिंग नहीं है। उसका क्वेश्चन ये है कि अगर वो लो पावर मोड के अंदर कर दे तो क्या वो हो सकता है? जनरली लो पावर मोड के अंदर काफ़ी सारी बैटरी का सेविंग हो जाता है, लेकिन आपको एक चीज़ देखनी है कि अगर आपकी एप्लीकेशन जो है IMO एप्लीकेशन, उसके अंदर कुछ लोकेशन वगैरह ऐसी कुछ सर्विस का यूज़ होता है, लोकेशन ट्रैकिंग वगैरह XYZ कुछ ऐसी बैकग्राउंड सर्विस का यूज़ होता है, क्योंकि जब भी हम लो पावर मोड में अपने फ़ोन को रखते हैं तो सारी जो बैकग्राउंड एक्टिविटीज़ होती है वो सारी जो स्टॉप हो जाती है, कुछ लोकेशन सर्विस एक्सेस होना बंद हो जाती है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो बैकग्राउंड में होती है एप्लीकेशन स्पेसिफिक वो स्टॉप हो जाती है, तो शायद हो सकता है कि ये एप्लीकेशन के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हो वो भी काम करना बंद हो जाए, तो ये आप अपने फ़ोन को लो पावर मोड में अगर रखेंगे तो ये सारे फीचर्स काम करना बंद हो जाएंगे। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली आप रख सकते हैं, आप अपने फ़ोन को लो पावर मोड में रख सकते हैं, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो, पूरे दिन भी रख सकते हैं, उसमें कोई ऐसी हार्मफुल या तो फिर कोई डिसएडवांटेज नहीं होता। अगर लो पावर मोड में भी एप्लीकेशन एज इट इज चलती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे अगर बैकग्राउंड के फीचर्स हो गए जो अननेसेसरी चालू हो गए तो एटलीस्ट वो बंद हो जाएगी और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फ्रॉम महेश वाकिला। उसका क्वेश्चन ये है कि उसके पास आईफोन 6 प्लस है और उसमें लाइव फोटो कैसे कर सकते हैं, प्लीज़ वीडियो बनाइए। तो एग्जैक्टली इसमें क्या रीज़न है कि आईफोन 6 प्लस के अंदर लाइव फ़ोटो आप कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि कैप्चर करने का ऑप्शन उसके अंदर है ही नहीं। अगर आप अपने आईफोन 6 प्लस के, क्योंकि मेरे पास जो है वो आईफोन 6 प्लस ही है, तो मैं उसमें लाइव फ़ोटो कैप्चर नहीं कर सकता हूँ कैमरा के थ्रू, लेकिन अगर मेरे डिवाइस में iOS 11 है तो अगर कुछ दूसरे डिवाइस में से लाइव फ़ोटो यहाँ पे मैं ट्रांसफ़र करूँ वाया एयरड्रॉप तो वो लाइव फ़ोटो मुझे दिखेंगे, लेकिन लाइव फ़ोटो कैमरा के थ्रू कैप्चर नहीं होंगे। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि iOS 11 के अंदर लाइव फ़ोटो देखने का ऑप्शन दिया गया है, तो अगर आपने अपने आईफोन में iOS 11 अपडेट कर दिया है तो कोई दूसरे आईफोन के अंदर वो कैप्चर किए हैं वो यहाँ पे एयरड्रॉप किए तो ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपके डिवाइस में एक लाइव फ़ोटो का फोल्डर बन जाएगा और वहाँ से आप लाइव फ़ोटो एटलीस्ट आप अपने आईफोन 6 प्लस के अंदर देख पाएंगे, लेकिन उसे कैप्चर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फ्रॉम राहुल प्रसाद। उसका क्वेश्चन ये है कि हाउ टू ट्रांसफ़र व्हाट्सअप चैट बैकअप फ्रॉम एंड्रॉयड टू iOS। एक्चुअली इसमें कन्फ्यूज़न क्या है कि जब भी आप एंड्रॉयड के अंदर जो व्हाट्सअप का जो चैट होता है उसका बैकअप लेते हैं तो वो ड्राइव में जाता है, जो गूगल की जो ड्राइव होती है उसकी स्टोरेज में जाता है, और जब भी आप आईफोन के अंदर iOS के अंदर व्हाट्सअप यूज़ करते हैं तो उसका जो बैकअप होता है वो iCloud में जाता है, एप्पल का जो iCloud है उस कुछ टर्म्स कंडीशन वगैरह है एप्पल के उसकी वजह से, तो दोनों व्हाट्सअप दोनों में एक ही तरीके से चलता है आईफोन या तो एंड्रॉयड, लेकिन उसका जो बैकअप का तरीका है वो अलग अलग होता है, एंड्रॉयड में बैकअप कहीं और जाता है, iOS के अंदर बैकअप iCloud में जाता है, तो जनरली हम एंड्रॉयड का जो बैकअप है उसे आईफोन में नहीं ला सकते। उसका क्वेश्चन ये है कि हम कैसे उसे रिस्टोर कर सकते हैं, अगर एंड्रॉयड के अंदर व्हाट्सअप है उसमें से बैकअप लिया है वही अकाउंट का और वो सेम हमें रिस्टोर करना है iOS के अंदर, तो उसका कोई तरीका है कि नहीं? नहीं, अभी तो ऐसा कोई तरीका मेरे ध्यान में नहीं है, क्योंकि दोनों का जो बैकअप का मेथड है वो अलग अलग है, दोनों प्लेटफॉर्म अलग अलग है। हाँ, व्हाट्सअप जो एक ही ओनरशिप की एप्लीकेशन है, व्हाट्सअप आईफोन व्हाट्सअप एंड्रॉयड दोनों एक ही कंपनी की एप्लीकेशन है, लेकिन उसकी बैकअप की मेथड अलग अलग होने की वजह से अभी तक तो ऐसा कोई तरीका है नहीं कि एक डिवाइस में से बैकअप लिया और उसका रिस्टोर दूसरे प्लेटफॉर्म में हो, एंड्रॉयड में से बैकअप लिया iOS में हो, या फिर iOS में से बैकअप लिया एंड्रॉयड में हो, ऐसा कोई क्रॉस प्लेटफॉर्म का अभी तक तरीका मेरे ध्यान में तो नहीं है। अगर आप यूज़र के ध्यान में ऐसा कोई तरीका है तो
मुझे बताइए, डेफिनेटली यहाँ पे वीडियो में आप कमेंट में उसे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फ्रॉम किरण, उसका क्वेश्चन ये है कि iOS अपडेट करते टाइम पे क्या iCloud का बैकअप लेना ज़रूरी होता है। जनरली क्या होता है कि बैकअप लेना ज़रूरी होता है, ज़रूरी नहीं कि आप iCloud के थ्रू ही बैकअप लें, आप अपने आईफोन का बैकअप ले लें वो ज़्यादा सेफ है। क्योंकि होता क्या है कि जब भी आप अपने iOS को अपडेट करते हैं उस टाइम पे अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई, कनेक्टिविटी में गड़बड़ हो गई, या तो फिर अपडेट के टाइम पे कुछ ऐसी इनएक्टिविटी हो गई और इन बिटवीन वो कट हो गई प्रोसेस, जो अपडेशन की प्रोसेस थी, तो क्या करना होगा, आपको अपने आईफोन को पूरा रिस्टोर करना पड़ेगा आईट्यून के साथ कनेक्ट करके। तो जनरली आपके सारे डेटा चांसेस है कि लॉस भी हो सकते हैं। तो ये मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आप अपने आईफोन के अंदर iOS अपडेट करते हो और स्पेशली मेजर अपडेट, फॉर एग्जांपल iOS 10 में से 11, 11 में से 12, ऐसा कुछ अपडेट करते हैं, तो बेटर है कि आप अपने आईफोन का पहले बैकअप ले लीजिए। तो बैकअप के अलग अलग तरीके हैं। एक तो आप अपने आईफोन का बैकअप अपने कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ या तो फिर मैक कंप्यूटर के अंदर वाया आईट्यून्स भी ले सकते हैं। उसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया है कि कैसे आप वो बैकअप ले सकते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता है। दूसरा तरीका है डायरेक्टली आप अपने आईफोन में से iCloud स्टोरेज में भी पूरा आईफोन का बैकअप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको iCloud का जो अकाउंट है वो बड़ी साइज़ का चाहिए। बाय डिफॉल्ट 5GB फ्री मिलता है, लेकिन अगर आपके फ़ोन के अंदर ज़्यादा स्टोरेज है, बड़ी साइज़ का फ़ोन है 64GB का, तो बैकअप बहुत बड़ा होगा, बहुत सारे फ़ोटोज़, वीडियो, एप्लीकेशन वगैरह सब होगी, बहुत सारे SMS, मैसेजेस, कॉन्टैक्ट्स वगैरह सब होगा, पूरा का पूरा बैकअप iCloud में जाएगा, तो 5GB तो तुरंत भर जाएगा फ्री स्टोरेज जो है वो। तो अगर आपके पास iCloud का पेड अकाउंट है तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं, इंटरनेट की स्पीड अगर ज़्यादा है, क्योंकि iCloud में बैकअप लेने में टाइम भी लगता है। तो अगर उस टाइम पे अगर आपको ऐसा लगे तो आप अपने कंप्यूटर में ले लीजिए, iTunes के थ्रू वो ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी कैसे वो बैकअप लेना है। लेकिन जब भी आप मेजर अपडेट करते हैं, फॉर एग्जांपल iOS में से 11 में से 12 जब आएगा तब आप अपडेट करेंगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हमेशा पहले बैकअप ले लें और बाद में ही iOS अपडेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फ्रॉम संतोष थापा, उसका क्वेश्चन ये है कि नाइट विजन ऐप होता है कि नहीं iOS के अंदर। तो जी हाँ, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि नाइट विजन एप्लीकेशन फॉर iPhone, तो आपको बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन मिल जाएगी कि जो ऐप स्टोर पे है और वो नाइट विजन का काम करती है। तो जनरली इसमें कोई ऐसे स्पेशल कुछ आपके फ़ोन के अंदर कुछ ऐसे हार्डवेयर चेंज वगैरह नहीं कर देती है, आपके फ़ोन के अंदर जो कैमरा का हार्डवेयर होता है उसका जो एडवांस फीचर्स होता है उसका यूटिलाइजेशन करता है। क्योंकि अभी आप अगर देखें तो लेटेस्ट जो आईफोन है 10, 8, 7 वगैरह, उसके अंदर आईफोन का जो कैमरा होता है उसका एपर्चर जो होता है वो बड़ा होता है, f1.8, f2.0 वगैरह मॉडल के हिसाब से हो सकता है, 2.2 भी हो सकता है। तो उसकी जो लो लाइट में फ़ोटो कैप्चर करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये एप्लीकेशन करती क्या है कि आपके आईफोन के अंदर से जो भी फोटो कैप्चर हो रहे हैं उसकी जो इमेज होती है और उसकी जो फुटेज होती है, अगर वीडियो की कैपेबिलिटी दे रही है तो उसके ऊपर कुछ एडवांस प्रोसेसिंग करती है, कुछ फिल्टर अप्लाई करती है, उससे जो जो इमेज होती है थोड़ी एनहांस हो जाती है, उसके जो पिक्सल होते हैं वो मोर विजिबल हो जाते हैं नाइट के टाइम पे, अगर कोई सीन है, अगर फुटेज वगैरह है तो वैसे उसके ऊपर थोड़ा प्रोसेसिंग करके उसे एनहांस कर देती है। तो ऐसे ये नाइट विजन का काम करती है कुछ हद तक, यानी 100% जो नाइट विजन बाइनोक्यूलर आते हैं, नाइट विजन कैमरास वगैरह आते हैं, उसके जैसे कुछ एडवांस सेंसर वगैरह कोई अपने आईफोन में तो होते ही नहीं है, लेकिन उसके आईफोन का जो कैमरा होता है वही एडवांस होता है और वो लो लाइट की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, तो वो कैपेबिलिटी का बेनिफिट लेते हैं। और कुछ एडवांस फिल्टर जो AI वगैरह प्रोसेसिंग करता है इंटेलिजेंस, उसके हिसाब से कुछ उसे एनहांसमेंट करता है और उसकी वजह से ये नाइट विजन के हिसाब से काम करती है। अगर आप अपने फ़ोन को कहीं कोई ऐसी जगह यूज़ करते हैं, बार बार आपको नाइट में जाना पड़ता है, तो डेफिनेटली ट्राई कीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन मिल ही जाएगी। मैंने तो अभी तक ऐसा कोई यूज़ नहीं किया है इसलिए आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, कुछ फ्री एप्लीकेशन है, कुछ पेड एप्लीकेशन होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का बटन है उसे भी टैप कर दीजिए, तो जब भी मैं चैनल पे नया वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत आपके डिवाइस में उसका पुश नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरा नया वीडियो देख पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।